हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 18 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 18 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है खंडशः समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए, यह एक समाकल ज्ञात करने की विधि है जिसके द्वारा जब दो फलन गुणा के रूप में होते हैं, जैसे fx और gx देख रहे हैं ना, एक गुणा के रूप में है, तो इनका हम समाकल ज्ञात कर सकते हैं खंडशः समाकलन विधि से। खंडशः समाकलन विधि से जब दो फलन गुणा के रूप में हो, चाहे ये फलन एक ही प्रकार के फलन हो या भिन्न भिन्न प्रकार के भी फलन हो सकते हैं, यानी कि जब दो फलन गुणा के रूप में होते हैं, गुणनफल के रूप में होते हैं, तो उनका समाकल ज्ञात करने की जो विधि होती है वह एक विधि क्या होती है, खंडशः समाकलन है। और इसी विधि के द्वारा हम लोग जब दो फलन प्रोडक्ट के रूप में होंगे तो उसका समाकल ज्ञात करेंगे। तो चलिए इस विधि को पहले जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग डिफ्रेंसिएशन में पढ़ते थे कि अगर कोई फंक्शन u इंटू v के रूप में हो, या दो फलन है u इंटू v के रूप में, और इसका अवकलज हम ज्ञात करते थे x के रिस्पेक्ट में, याद है, जब दो फलन प्रोडक्ट के रूप में हो तो उनका अगर हम अवकलज ज्ञात करते हैं x के रूप में, तो हम उसे लिखते थे du बटा dx इंटू में v प्लस u इंटू dv बटा में dx, ऐसे ही लिखते थे ना, ऐसे ही लिखते थे। चलो, अगर मैं ये dx को उधर ले जाऊं और ये डेरिवेटिव को उधर ले जाऊंगा तो इंटीग्रल बन जाएगा। तो यहाँ u इंटू भी बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ du बटा dx इंटू भी dx, समझ गया ना, ये dx इधर आया और ये डेरिवेटिव जाकर उधर इंटीग्रेशन बन गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू में dv बटा dx इंटू में dx, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसको भी ब्रैकेट में देते हैं। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, ये जो प्लस में है ना, इसको इधर भेज देता हूँ, तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी बटा डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू में, या किस में, माइनस में हो जाएगा u इंटू भी माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा में डी एक्स, डी यू बटा में डी एक्स इंटू भी डी, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, यहां मान लेता हूं, माना u बराबर में, u बराबर में एक फंक्शन ले लेता हूं fx, ठीक है, u बराबर में फंक्शन क्या ले लेता हूं, fx ले लेता हूं, और ये dv बटा dx जो दिया है ना, इसे कोई दूसरा फंक्शन ले लेता हूं, मान लो gx ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं du by dx की, यानी कि इसके डेरिवेटिव की, तो वो f डैश x हो जाएगा, और यहां से अगर मैं v का वैल्यू निकालना चाहूं तो v बराबर में हो जाएगा, ये जाके उधर गुणा कर जाएगा, ये इंटीग्रल बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे ही ना लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ gx विथ रेस्पेक्ट टू x, ये डेरिवेटिव जाके उधर इंटीग्रल बन जाएगा और ये dx जाके उधर चला गया, समझ गया ना। चलिए, अब मैं यही सारे वैल्यू यहां पुट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ u के जगह पे क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स इंटू में db by dx से क्या जाएगा gx with respect to x बराबर में u, तो u का वैल्यू है आपका fx, और v का वैल्यू यहां पे है इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस इंटीग्रेशन देंगे, फिर देखो du बटा dx, तो du बटा dx किसका का वैल्यू क्या है, f डैश x है, f डैश x, फिर उसके बाद है यहाँ भी, तो भी क्या वैल्यू ये है इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और फिर ये ब्रैकेट बंद करके ये आपका डीएक्स आ गया। तो मैंने सारे वैल्यू इसमें पुट कर दिया, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स गुना के रूप में हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स फिर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, फिर माइनस देके फिर एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और फिर ये टोटल का इंटीग्रेशन, समझ गया। तो यहां से हम लोग अगर इसे शॉर्ट में लिखना चाहें, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि u इंटू भी, मैं fx को u मान लेता हूं और gx को भी मान लेता हूं, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा u इंटू भी का इंटीग्रेशन हो जाएगा u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ भी विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका क्या है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं इसे डी यू बटा डी एक्स, ये डेरिवेटिव ही है ना जी, हमने जब u और v लिया है तो u का डेरिवेटिव du by dx लिखेंगे ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा v dx और फिर ब्रैकेट बंद करके फिर आपका dx, यानी कि u into v, इस तरह से कोई दो फलन
प्रोडक्ट के रूप में हो तो उसका इंटीग्रेशन होगा यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स डी एक्स, समझ गए। तो ये आपका एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया, जब दो फलन प्रोडक्ट के रूप में होंगे तो इसको इस ये फॉर्मूला हम लगाएंगे समाकल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये भी फॉर्मूला सेम ही है, मैंने एफ एक्स की जगह यू रख दिया है और जी एक्स की जगह भी रख दिया, आप ये भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एफ एक्स जी एक्स भी मान के चल सकते हो, यू भी मान के चल सकते हो, कोई भी आपका फलन हो सकता है। लेकिन जैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन में यू और भी जब गुना में रहते थे तो किसी को भी यू मान लेते थे, किसी को भी मान लेते थे, ना, लेकिन यहाँ ये काम नहीं आएगा। हम लोग किसी भी फलन को यू और किसी भी फलन को भी नहीं मानेंगे। उसके लिए एक मेथड मैं बता देता हूं, आई लेट आई किसके लिए है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स फंक्शन के लिए, है ना, इनवर्स फंक्शन के लिए। आपका कोई भी अगर इनवर्स फंक्शन दिया होगा तो उसको हम लोग आई से सूचित करेंगे, ठीक है। मैं समझा रहा हूं पहले, एल किसके लिए है, लॉगरिथमिक के लिए, ठीक है। ए किसके लिए है, एल्जेब्रिक के लिए। टी किसके लिए है, ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए। ई किसके लिए है, एक्सपोनेंशियल के लिए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, एक्सपोनेंट वाले के लिए। तो इसमें से जो पहले आएगा वो यू और जो बाद में आएगा उसे हम लोग भी मानेंगे। जो इसमें से पहले आएगा, जो फलन पहले आएगा उसको यू और बाद वाले को भी मान लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, तो देखो एक्स और साइन एक्स यहाँ पे दो फंक्शन है, तो देखो ये है अलजेब्रिक और ये है ट्रिगोमेट्रिक। ये साइन एक्स आपका ट्रिगोमेट्रिक है और एक्स जो है अलजेब्रिक है, तो देखो अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिगोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो पहले एक वाले को यू यानी इसको यू मानेंगे और इसको भी मानेंगे, समझ गए ना। अगर मान लो रहता है ई टू द पावर एक्स और इनटू में साइन एक्स ऐसा रहता, तो इसमें आपका यू साइन एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा यू और भी होगा ई टू द पावर एक्स। देख रहे एक्सपोनेंट लास्ट में है और पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आता है, तो यह यू होगा और यह भी होगा, और यहां पर यू आपका एक्स होगा और भी आपका साइन एक्स होगा। तो इस मेथड पे चलना, अगर मान लो दो फलन दिए हो, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 2x और फिर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देता हूं, तो इसमें किसको u किसको भी मानेंगे। अगर मान लो मुझे इसे प्रोडक्ट वाले नियम से ही बनाना है, खंडशः समाकलन विधि से ही बनानी है, तो किसको u मानेंगे किसको भी मानेंगे, ये सबसे बड़ी बात। तो जिस फलन का अवकलज आसान होगा ना, देख रहे ना दोनों एल्जेब्रिक ही फंक्शन है, लेकिन दोनों में से आसान अवकलज 2x का है, 2x का अवकलज हम लोग डिफरेंशिएशन आसानी से निकाल सकते हैं, तो यह u हो जाएगा और यह भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप एक नियम याद रखना, जिसका अवकलज आसान होगा उसको u और जो दूसरा होगा उसे भी मान लेंगे, अगर एक ही प्रकार के फलन हुए तो, नहीं तो आपका तो यह विधि हमारे पास है ही है आई लेट मेथड का, ठीक है। तो चलिए अगर मैं एक्स साइन एक्स का निकालना चाहूं तो किस प्रकार निकालूंगा, तो पहले तो आपको समझ में आ गया यू आपका यहां पर है एक्स और भी आपका क्या है आपका साइन एक्स है, तो मैंने इंटीग्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला बताया ना अभी यू इंटू बी का, यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन देकर यू का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन निकाल देंगे बी का एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर आपका डी एक्स। तो यहां इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो जहां जहां यू है वहां पर हम एक्स रख देंगे और जहां जहां बी है वहां साइन एक्स रख देंगे, तो x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस इंटीग्रेशन देके डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x और फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx और ब्रैकेट बंद करके फिर आपका dx। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका माइनस का कॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का x cos x माइनस फिर इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव इसका वन हो जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन का क्या होगा माइनस का कॉस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का एक्स कॉस एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा ना,
हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस में कॉस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन एक्स और प्लस में सी हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि यू किसे अगर दो फलन गुना के रूप में दिए होंगे, गुणनफल के रूप में दिए होंगे, तो आपको पहले ध्यान देना होगा कि दोनों में से यू कौन है और वी कौन है। और इसके लिए मैंने आपको एक मेथड बता ही दिया है, आई लेट वाले मेथड से बनाएंगे। आई लेट ये आप मेथड याद रखेंगे, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंट। अब जिसमें से जो पहले आएगा उसको यू और दूसरे वाले को भी मानते हैं। चलिए अब एक और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लोग प्रूव कर लेते हैं ताकि आगे एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना हो। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। खंडशः समाकलन में ही इसी में आगे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। ये पहला एक फॉर्मूला देख लिया। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर बाहर ई टू द पावर एक्स हो, अंदर एक फंक्शन दिया हो और प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया हो, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। समझ गए, बाहर आपका ई टू द पावर एक्स हो और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन और प्लस में उसका डेरिवेटिव हो, तो उसका हो जाता है ई टू द पावर एक्स इंटू में फंक्शन प्लस सी। चलिए इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, LHS लो इसका, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डी एक्स, ये ना दिया जी, इसको इंटू कर लेते हैं, तो e टू द पावर एक्स एफ एक्स और प्लस यहाँ पे डी एक्स भी लगा देते हैं प्लस e टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एक रूल जानते हैं आई लेट। तो देखो ना यहाँ एक्सपोनेंट लास्ट में आ रहा है, यानी कि ई टू द पावर एक्स यहाँ पर यह वी है और यह यू है, ध्यान रखना ये यू है और यह वी है, ठीक है, एक्सपोनेंट लास्ट में आ रहा है। यह कोई भी फंक्शन दिया हो, एफ एक्स आपका कोई भी फलन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, अलजेब्रा हो, लॉगरिथमिक हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कोई भी फंक्शन हो, ये तो ई के पहले ही ना आ रहे हैं, कोई इनमें से कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, तो जब इनमें से कोई भी फंक्शन यह हो सकता है तो यह u है और यह v है, समझ रहे ना। तो इसका रूल आपको बता रखा है ना मैंने, u इंटू वी का भी बताया है आपको, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन देकर डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x और फिर आपका v का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में और फिर आपका dx, ऐसे रूल है ये ना, रूल है। तो मैं ये u है और ये v है, तो हो जाएगा एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन देकर फिर डेरिवेटिव निकाल देंगे किसका, एफ एक्स जो आपका फलन है, यू जो है उसको, और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका e टू द पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर इंटीग्रेशन, समझ गया ना, फिर ब्रैकेट बंद करके आपका डी एक्स, समझ गया ना, यू इंटू बी पे मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया और प्लस में है e टू द पावर एक्स इंटू में एफ डैश एक्स, यही ना है आपका। चलिए तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या हो जाएगा, तो e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही हो जाएगा, यानी e टू द पावर एक्स ही और ये आपका एफ एक्स बचा है, माइनस यहाँ पे देखो ना एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स और इंटू में e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स डी एक्स, ये बाहर वाला डी एक्स जो है, फिर प्लस e टू द पावर एक्स इंटू में एफ डैश एक्स डी एक्स, तो यह देखो यही उतार दिया मैंने, और ये दोनों देखो दोनों सेम ही है, यहाँ भी एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस माइनस में कट जाएगा, तो फाइनली आपका क्या बच जाएगा ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहां से ये आपको याद हो गया कि अगर कोई फंक्शन में कुछ इस प्रकार का फलन दिखे, ई टू द पावर एक्स बाहर हो और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ब्रैकेट में उसके साथ हो, तो जब कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव वहां पे होगा और बाहर e टू द पावर एक्स होगा तो क्या हो जाएगा e टू द पावर एक्स इंटू में आपका वही फंक्शन और प्लस में c, समझ गए ना। तो यही दो रूल है और बाकी सारे फॉर्मूले तो आप पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, जितने भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उन सब का तो इस्तेमाल होगा ही, और ये बाकी दो फॉर्मूले जो मैंने इस वीडियो में बताया इसका भी इस्तेमाल आने वाले एक्सरसाइज में होने वाला है, तो ये सारे फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा। चलिए मैं इस पे एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको समझिए। मान लो आपका e टू द पावर x दिया हो और इंटू में यहाँ पे दिया हो साइन x प्लस में cos x, तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, यहाँ यह साइन x एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव cos x है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा e टू द पावर x साइन x प्लस में c, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
e टू द पावर x इंटू में यहाँ पे साइन x और प्लस में दिया हो sec x और बटा में दे दिया हो cos x dx। चलिए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे अलग देखो, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, आपको इस फॉर्म में करना होगा। कैसे करेंगे, मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूं, साइन x बटा cos x और प्लस sec x बटा में cos x। ठीक है, आगे देखिए ये dx है, आगे देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x या साइन बटा cos tan x हो जाएगा। और देखो ये cos ऊपर जाएगा तो sec हो जाएगा, और ऊपर भी एक sec है और ये sec, तो sec स्क्वायर हो जाएगा ना जी। चलिए तो देहात क्या देख रहे हैं, tan को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर होता है ना जी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू में tan x प्लस। तो अगर नहीं भी दिखेगा उस फॉर्म में तो आपको चेंज करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, तब बनाना होगा, समझ गए। तो इस पे आपके क्वेश्चन आने वाले एक्सरसाइज में होंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और वहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं।